जिला कांगड़ा के पालमपुर में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि लोगों को कुशल प्रशासन देना और जन कल्याणकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाना ही सरकार का लक्ष्य है, ताकि गरीब लोग उनका लाभ प्राप्त कर सकें। विधानसभा अध्यक्ष ने धीरा में बेटी है अनमोल योजना में 18 लाभार्थियों को 2,06,000, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 2 अभ्यर्थियों को 80,000 रुपए की सहायता राशि भी वितरित की। अध्यक्ष ने कहा कि धीरा के सभी कार्यालयों को एक ही छत के अधीन लाने के लिए जहां संयुक्त कार्यालय परिसर का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जमीन का चयन कर लिया गया है और भवन निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए का प्राकलन तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा किया जाएगा। करें, उनका ध्यान रखें और उनका पढ़ाई के प्रति उनकी लगन पैदा करें। यही बच्चियां आने वाले दिनों में, जैसे एक अभियान चल रहा है, उस शीर्ष स्थान पर पहुंचेंगी और अपने परिवार के साथ साथ दूसरे परिवार में जहां जाएंगी वहां पर भी अपने गुणों का व्याख्यान करेंगी। एक परिवार को नहीं, 2 परिवारों को सजाने वाली हैं बेटियां। इसलिए बधाई, मुबारकबाद आप सभी के दर्शन करने। उज्ज्वल हिमाचल के लिए पालमपुर से नीरज सूद की रिपोर्ट।